ट्री को जब काट दिए तो इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है किसके किसके बीच में, यह ट्री के बीच में और यह सॉइल के बीच में, ऑटोमेटिक क्या आ गया, लिंक इस दोनों के बीच में टूट गया। जिसके कारण क्या होता है, अगर कोई भी विंड हुआ या कोई भी वाटर रिसोर्सेज ऑटोमेटिक इस पे अवेलेबल हुआ तो यह क्या होता है, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है यह रिमूव हो जाता है। तो इसे जो होल प्रोसेस को जो कहा जाता है उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन का मेन फैक्टर कौन कौन है, आप हमेशा ध्यान देना बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट्स के एब्सेंट पे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि प्लांट्स और सॉइल क्या करता है, होल्ड करके दोनों को रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है, और वह जब लिंक टूट जाता है प्लांट्स के एब्सेंट पे तो क्या हो जाता है बच्चों, सॉइल इरोजन हो जाता है। अब आता है मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन को कैसे प्रोटेक्ट करें, मतलब जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है उसको कैसे रिमूव होने से बचाए, वह मेथड के बारे में अब डिस्कस करें। सबसे पहला, डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड। जो हम डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या, कटिंग डाउन ऑफ ट्री, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जो हम ट्री को कट कर रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब उसको हमको छोड़ना होगा और एफॉरेस्टेशन लगना पड़ेगा, ठीक है। प्लांट मोर ट्री, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम पौधा अगर लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा, बचाव होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल का प्रकार क्या है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक यहां दिया है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, एस फॉर सैंडी होता है, एस फॉर सैंड होता है, मतलब ऐसा सॉइल जिसमें सैंड उपस्थित हो, बालू उपस्थित हो, वैसा सॉइल को क्या कहा जाता है, सैंडी सॉइल। दो सॉइल व्हिच आर मिक्स विद सैंड, दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, उसी सॉइल को क्या कहा जाता है, सैंडी सॉइल कहा जाता है। अब आइए सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो, अब सैंडी सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में, सैंडी सॉइल आप कहां देखते होंगे ज्यादातर, राजस्थान या थार डिजर्ट, थार डिजर्ट, ठीक है, थार डिजर्ट में आप देखते होंगे ज्यादातर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल सैंडी सॉइल के बारे में, सैंडी सॉइल के बारे में मैंने अभी ही बताया कि जो सॉइल सैंड और सॉइल दोनों मिक्स हो ऐसा सॉइल को सैंडी सॉइल कहा जाता है। तो आप जनरली जब दामोदर नदी के पास जाओगे तो वहां आपको सैंडी सॉइल देखने को मिलेगा, और दामोदर नदी में बालू भी रहती है और एज वेल एज सॉइल भी उपस्थित होती है, जो आसनसोल एक जगह की नाम है, वहां से वह नदी पास होती है जो हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है बच्चों। वहां वेस्ट बंगाल में आसनसोल जब मैं गया था तो वहां मुझे सैंडी सॉइल
देखा उसमें क्या था, सॉइल भी अवेलेबल था एज वेल एज सैंड भी अवेलेबल था, उसी टाइप को सॉइल को क्या कहा जाएगा, सैंडी सॉइल। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। सॉइल का जो क्लासिफिकेशन हुआ वह किसके बेसिस पे हुआ, वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर में जो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग साइज में उपस्थित है उसके बेसिस पे सॉइल का जो यहां क्या हुआ, क्लासिफाइड हुआ। सैंड टेंड्स टू हैव लार्ज पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर सॉलिड एंड हैव नो पॉकेट्स वेयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट कैन होल्ड टू इट। मतलब कि जो हमारा ये सैंडी सॉइल है यह क्या है, यह हमारा जो सैंडी सॉइल है इसमें क्या है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, जो वाटर को भी होल्ड नहीं कर पाता है एज वेल एज न्यूट्रिएंट को भी होल्ड नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो अलग अलग पार्टिकल्स उपस्थित है अलग अलग साइज में वह उसके कारण सॉइल अपनी टेंडेंसी खो देती है फॉर होल्डिंग द न्यूट्रिएंट एंड वाटर, बिकॉज ऑफ दिस वाटर एंड न्यूट्रिएंट टेंड टू रन आउट। अब इसी के कारण क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट रन आउट हो जाता है, उसमें होल्ड नहीं हो पाता है और वह इजली से निकल जाता है। बिकॉज सैंडी सॉइल लैक बोथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, सैंडी सॉइल में क्या क्या उपस्थित नहीं होते हैं, वाटर भी उपस्थित नहीं होते हैं एज वेल एज न्यूट्रिएंट भी उपस्थित नहीं होते हैं। मैनी प्लांट्स हैव अ डिफिकल्ट टाइम सर्वाइविंग इन दिस काइंड ऑफ सॉइल। अलग अलग प्लांट्स को इस सॉइल में रहने में बहुत डिफिकल्ट होती है। सिंपल लैंग्वेज में आप जानो कि जो सैंडी सॉइल है उसको जो क्लासिफाइड किया गया है उसके पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पे, और वह जो पार्टिकल्स हैं उसमें सैंड में सॉइल में उपस्थित सैंड के फॉर्म में वह उसमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, ना वह वाटर को होल्ड कर पाता है ना वह न्यूट्रिएंट को होल्ड कर पाता है, दोनों को वह खो चुका होता है, जिसके कारण उसमें प्लांट्स भी ठीक से उग नहीं पाते हैं। जैसे हमारा राजस्थान हो गया डिजर्ट, हमारा राजस्थान हो गया, राजस्थान पहले कभी हरा भरा हुआ करता था, ग्रीन हुआ करता था, और वहां अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार वहां थार डिजर्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं, वहां क्या हुआ, ग्रेजिंग बाय एनिमल्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब एनिमल्स के द्वारा ग्रेजिंग खूब हुआ, मतलब एनिमल्स उसको उन प्लांट्स को ज्यादा खाया और डिफॉरेस्टेशन भी कंटिन्यू हुआ, जिसके कारण अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल क्या हुआ, रिमूव हो गया, उसके बाद उस किसमें कन्वर्ट हो गया, सैंड में कन्वर्ट हो गया। कुछ कुछ जगह पे सॉइल और सैंड दोनों मिक्स होते हैं, जहां पे बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी प्लांट्स को ग्रो होना, जिसको क्या कहा जाता है, सैंडी सॉइल। अब आते हैं क्लेली सॉइल, क्लेली सॉइल क्या होता है, क्लेली सॉइल आप अपने घर में कभी मिट्टी का खिलौना देखिए हो, वह क्या चीज से बना हुआ है, क्ले से, क्ले सॉइल से ही बना हुआ है। क्ले सॉइल के बारे में आप जानेंगे, द क्ले सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ लार्जर पोर्शन ऑफ फाइनल पार्टिकल्स, मतलब क्ले सॉइल जो है वह अधिक पोर्शन में फाइनल पार्टिकल्स अपने में कंटेन करता है, ठीक है। क्ले सॉइल कंटेन मोर देन 30% फाइन क्ले पार्टिकल्स, मतलब 30% उसमें क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स
clay swell and shrink as they wet and dry, effectively cultivating themselves. ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये हमारा क्लेरी सॉइल है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का जो साइज रहता है वह फाइनर होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है, फाइनर होता है, जिसमें 30% क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स अवेलेबल रहता है, जिसके कारण वाटर श्रिंक और स्वेल दोनों हो पाता है। मतलब वाटर एब्जॉर्ब भी होता है, आफ्टर सम टाइम वाटर क्या रहता है, एब्जॉर्ब होने के बाद समाप्त भी हो जाता है। मतलब जब इसमें वाटर अवेलेबल रहता है तो कल्टीवेटिंग हो सकता है, जब इसमें वाटर अवेलेबल नहीं रहता है तो इसमें कल्टीवेटिंग बच्चों नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, दे वेट एंड ड्राई, मतलब वह गीला भी है एज वेल एज सूखा भी है। क्यों, क्योंकि जब इसमें पार्टिकल्स अवेलेबल रहेगा फॉर होल्डिंग वाटर तो क्या हो गया, वह वेट हो जाएगा, और जब यह लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, ड्राई। इसीलिए इसको कहा गया स्वेल एंड श्रिंक, मतलब वाटर लेना उसके बाद छोड़ देना, लूज कर देना, इसी को क्या कहा जाता है, क्लेरी सॉइल। अब आते हैं बच्चों लोमी सॉइल के बारे में। लोमी सॉइल के बारे में जानते हैं, लोमी सॉइल क्या होता है, अब उसके बारे में जानते हैं। वेल द पोर्शन ऑफ लार्जर एंड फाइनर पार्टिकल्स आर इक्वल, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स अवेलेबल रहेगा वह लार्जर भी होगा और फाइनर भी होगा, और दोनों क्या होगा, लार्जर इज इक्वल टू फाइनर, मतलब लार्ज भी उतना ही होगा और फाइन भी उतना ही होगा, दोनों का जो पोर्शन है, प्रोपोर्शन है वह क्या होगा, इक्वल होगा। देन दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज लोमी सॉइल, मतलब when the proportion of larger and finer particles are equal, then that type of soil is called loamy soil. मतलब जब larger particles भी available रहेगा और fine मात्रा में, fine quantity में भी available रहेगा, finer भी रहेगा, दोनों का proportion क्या होगा, equal होगा, उस type soil को क्या कहा जाता है, loamy soil. लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट, लोमी सॉइल क्या चीज का मिक्सर है, सिल्ट का मिक्सचर है, क्ले, क्ले का भी मिक्सचर है, एंड सैंड, और सैंड का भी मिक्सचर है, व्हिच इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, जो क्या है, बेस्ट है किसके लिए, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब यह जो सॉल्ट है, सिल्ट है, उसके बाद यह जो क्ले है और उसके बाद यह सैंड है, यह सब का क्वांटिटी क्या होता है, एक दूसरे से इक्वल होता है, इसका प्रोपोर्शन सब क्या है, इक्वल है, और इसका जो साइज भी क्या है, इक्वल है, तब इस क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, लोमी सॉइल का, और लोमी सॉइल क्या है, किसके लिए बेस्ट है, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यह बेस्ट है। अब आता है परकोलेशन रेट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। परकोलेशन रेट के बारे में जानेंगे, आखिर परकोलेशन रेट है क्या, आप यहां के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो दिया है, परकोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग लिक्विड व्हाइल पासिंग थ्रू अ फिल्टर। ठीक है, मतलब लिक्विड का जो फिल्टरिंग करने का जो विधि होता है उसी को क्या कहा जाता है, परकोलेशन, क्या कहा जाता है, परकोलेशन। Percolation is the process of filtering liquid while passing through a filter. जब लिक्विड को
वाटर को हम एक फिल्टर के द्वारा पास करवाते हैं और उसका जो फिल्टरिंग होता है मतलब उसका जो छानने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, पर्कुलेशन। क्या कहा जाता है? पर्कुलेशन। और साथ ही साथ में पर्कुलेशन जो है वह अलग अलग सॉइल में अलग अलग साइज का जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको भी शो करता है। सपोज कीजिए हम क्लेरी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, क्लेरी सॉइल में क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स उपस्थित रहता है। किसका? सैंड का, सिल्ट का, ये सब का फाइन पार्टिकल्स 30% अवेलेबल रहता है। तो जब हम उसका परकुलेट करवाते हैं तो वह क्या करता है? साइज को भी शो करता है और सॉइल को मॉडिफाई और क्वालिफाई करने में भी मदद करता है। जैसे रेनफॉल सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू परकुलेशन वेयर वाटर ट्रेवल डाउनवर्ड्स थ्रू द टिनी स्पेसेस बिटवीन रॉक्स एंड सॉइल पार्टिकल्स द वाटर इवेंचुअली saturates the underlying rocks much like water fills the tiny pores of a sponge. This helps to replenish aquifers under the ground. मतलब क्या हुआ? जो हमारे सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे रॉक्स का पार्टिकल से ले लीजिए या जैसे सैंड का पार्टिकल से ले लीजिए, चाहे वह सिल्ट का ही पार्टिकल्स ले लीजिए, जब क्या होता है इसपे वाटर रिसोर्स रेन के फॉर्म में डाउन होता है, गिरता है, तो यह जो अलग अलग सॉइल है और अलग अलग लेयर में अलग अलग जगह पर सॉइल प्रेजेंट रहता है और अलग अलग सॉइल पार्टिकल्स का साइज उपस्थित रहता है, यह फिल्टरिंग में भी काम करता है। और इस दोनों के बीच का जो गैप है उसके बीच से जब सॉइल क्या आता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है और फिर हम हैंडपंप के थ्रू ऊपर लाते हैं। तो जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स के बीच से जो लिक्विड नीचे जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है? परकुलेशन। जैसे मैंने अभी लिख दिया है रेनफॉल सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू परकुलेशन। परकुलेशन विधि से ही रेनफॉल का जो वाटर है वह अंडरग्राउंड में जा पाता है। वेयर वाटर ट्रेवल डाउनवर्ड्स, जहां वाटर का नीचे की तरफ जाता है। किसके द्वारा? छोटा छोटा स्पेस इस दोनों के बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस रहता है उसी के बीच होके सॉइल नीचे अंदर जाता है। द वाटर एवेंचुअली सैचुरेट द अंडरलेइंग रॉक। अब यह क्या करता है? इसको सैचुरेट करता है। लाइक वाटर फिल्स द टैनी पोल्स ऑफ इट्स This helps replenish aquifers under the ground. मतलब क्या क्या करता है? नीचे जो replacement का काम कर रहा है। किसका? Aquifer under the ground. ठीक है, आप सिंपल में बोलोगे percolation। Percolation क्या करता है? Percolation is the process of filtering liquid and the liquid which are present on the top most layer of the soil, it goes inside the soil between the tiny particles of the soil and it replenishes aquifers under the ground. यही आप कहोगे। मतलब क्या करता है? यह
परकुलेशन रेट मतलब परकुलेशन के विधि से सॉइल के अंदर पानी जाते हैं और पानी में पानी जाते हैं और छोटा छोटा जो स्पेस बचा रहता है उसके थ्रू अंदर जाते हैं और नीचे क्या करता है, रिप्लेनिश एक्विफायर्स का वर्क कर रहा है। दिस हेल्प्स टू रिप्लेनिश एक्विफायर। एक्विफायर मतलब क्या, एक्वा मतलब क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड को रिप्लेनिश करने में भी मदद करता है एक्विफायर। हमेशा ध्यान देना एक्विफायर। एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब हो जाता है वाटर, और वाटर एक्विफायर का काम कौन कर रहा है, यह छोटा छोटा रॉक। सिंपल में आप जब लो आपके घर में एक किंट लगा हुआ है, ठीक है, किंट को क्या करता है, एक्वाफायर, मतलब वह क्या करता है, वाटर को प्योर बनाने में मदद करता है। परकुलेशन रेट के कारण क्या होता है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आता है उससे क्या होता है, वाटर क्लीन आता है बाय द प्रोसेस ऑफ परकुलेशन। इसीलिए यहाँ कहा गया है दिस हेल्प टू रिप्लेनिश एक्वाफायर अंडर द ग्राउंड। जो अंडरग्राउंड में अवेलेबल वाटर है उसको एक्वाफायर करने में भी मदद करता है, किस विधि से, परकुलेशन विधि से। अब आते हैं परकुलेशन रेट के बारे में जानते हैं। परकुलेशन मतलब आप सिंपल में कहना फिल्टरिंग प्रोसेस ऑफ लिक्विड वेयर पासिंग थ्रू अ फिल्टर। फिल्टर क्या हो गया वहां पे, साइज ऑफ पार्टिकल्स। फिल्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का साइज ही उसके लिए क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। अब आते हैं परकुलेशन रेट ऑफ सॉइल। परकुलेशन रेट ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सॉइल। परकुलेशन रेट ये शो करता है कि सॉइल कितना वाटर होल्ड कर पाता है, वही को शो करता है, वही रेट को क्या कहा जाता है, परकुलेशन रेट ऑफ सॉइल। मतलब ये हमारा सॉइल है और सॉइल कितना वाटर होल्ड कर पाता है एक दिन में, इसी रेट को जो मेजर करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, परकुलेशन रेट ऑफ सॉइल। परकुलेशन रेट ऑफ सॉइल इज यूज्ड टू डिटरमाइन एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सॉइल। मतलब परकुलेशन रेट ये डिटरमाइन करता है एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब कर पाता है उसी रेट को जो डिटरमाइन करता है उसी को क्या कहा जाता है, परकुलेशन रेट। हमेशा ध्यान देना बच्चों, परकुलेशन रेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सॉइल। अब रेट के बारे में The rate of percolation is the ratio of the amount of water in millimeter to the percolation time in minute. अब इस पॉइंट को हम सबसे पहले अच्छे से जानेंगे। The rate of percolation is the ratio of the amount of water. क्या है? Amount of water in millimeter. टू द परकुलेशन टाइम इन मिनट। मतलब ये अगर हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर का एक लेयर है जिसका लेयर कितना है, मिली मीटर है, और एक मिनट में यह इतना मिली मीटर ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को क्या कहा जाता है, परकुलेशन रेट। मतलब रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब ये रेशियो किसका किसके बीच में है, मिलीमीटर बटा वन मिनट। मतलब एक मिनट में टोटल वन मिलीमीटर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय द सॉइल, दैट इज कॉल्ड परकुलेशन रेट ऑफ द सॉइल। जैसे परकुलेशन रेट ml बटा मिनट, ml बटा मिनट, ml बटा मिनट, मतलब एक मिनट में इतना ml, इतना मिलीलीटर वाटर एब्जॉर्ब होता है, इसी को क्या कहा जाता है, परकुलेशन रेट। द रेट ऑफ परकुलेशन इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीमीटर टू द परकुलेशन टाइम इन मिनट्स, ml बटा मिनट। यही क्या हो गया,
परपोलेशन रेट। जब भी आपसे पूछेगा परपोलेशन रेट के बारे में तो डायरेक्ट एमएल बनता मिनट लीक हो गया। अब परपोलेशन रेट क्या, परपोलेशन क्या आता है, क्या आता है, जो लिक्विड सॉइल के अंदर रॉक्स पार्टिकल्स के बीच में फिल्टरिंग फॉर्म में जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है, परपोलेशन रेट। परपोलेशन रेट परपोलेशन कहा जाता है। परपोलेशन रेट क्या आता है, जो कैपेसिटी होती है सॉइल का वह एक टाइम में कितना वाटर होल्ड कर पाते हैं उसी रेट को जो डिटरमाइन करते हैं उसी को परपोलेशन रेट कहा जाता है। अब आते हैं मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन। मॉइस्चर मतलब होता है नमी, क्या होता है मॉइस्चर मतलब नमी। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है एब्जॉर्ब करना। अब आते हैं सबसे पहला मॉइस्चर इन सॉइल, सॉइल में जो मॉइस्चर है उसके बारे में डिस्कस करें। मॉइस्चर इन सॉइल इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, मतलब मॉइस्चर इन सॉइल कहने का मतलब हुआ जो अमाउंट है वाटर का जो सॉइल में उपस्थित है उसी को क्या कहा जाता है मॉइस्चर इन सॉइल। द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल दैट रेफर्स टू द मॉइस्चर इन सॉइल, इसी को क्या कहा जाएगा मॉइस्चर इन सॉइल। सपोज कीजिए ये हमारा सॉइल है इसमें 2 ml वाटर अवेलेबल है इसी को क्या कहेंगे मॉइस्चर इन सॉइल। और यह जो इसके अंदर वाटर जाता है वह परकुलेशन विधि से अंदर जाता है और परकुलेशन रेट जितना गति से इसके अंदर वाटर जाता है उसी को क्या कहा जाता है परकुलेशन रेट। ये सॉइल है, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है तो उसको मॉइस्चर इन सॉइल कहेंगे। और यह सॉइल इसके अंदर जो जा रहा है जिस प्रक्रिया से फिल्टरिंग होके, फिल्टरिंग कैसे होता है क्योंकि इसमें सॉइल का पार्टिकल्स अवेलेबल रहता है उसको परकुलेशन कहेंगे। और परकुलेशन रेट या जितना तेजी से इसके अंदर सॉइल के अंदर वाटर जा रहा है उसको परकुलेशन रेट कहेंगे। जैसे ml बटा क्या हो गया था ml बटा मिनट, ये क्या हो गया परकुलेशन रेट। अब है मॉइस्चर इन द सॉइल कैन बी रिमूव्ड बाय सेटिंग अप द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब सॉइल से मॉइस्चर को भी रिमूव हम कर सकते हैं, उसका कुछ सेटिंग होता है उसका कुछ एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं सॉइल से मॉइस्चर रिमूव कर सकते हैं। सिंपल में आप कर सकते हो जो इसमें मॉइस्चर अवेलेबल है जैसे आपके एरिया में अभी बारिश हो रही है सभी सॉइल में क्या है मॉइस्चर अवेलेबल है, आप क्या करना एक कप या एक ग्लास सॉइल ले लेना उसके बाद उसको क्या करना सन के लाइट में उसको रख देना पुट कर देना। तो जब उस सॉइल को पुट करोगे तो यह ऑटोमेटिक क्या होगा इवापोरेशन होने लगेगा, मतलब सॉइल जो इसमें मॉइस्चर अवेलेबल है या क्या होगा इससे ऑटोमेटिक रिमूव होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इस पे हीट पड़ रहा है इवापोरेट हो जाएगा तो इसमें से क्या हो गया सॉइल से मॉइस्चर रिमूव हो गया है। देखते हैं आपका एक्सपेरिमेंट में क्या बताया है। टेक सॉइल सैंपल, मतलब सॉइल थोड़ा सा ले ले, पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में रख दे, मतलब जिसमें आप किसी भी चीज को बॉइल करते हो ऐसा ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है बॉइलिंग ट्यूब। इट वी कैन ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स इन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, मतलब ये अगर हमारा टेस्ट ट्यूब है, सपोज कीजिए ये हमारा वाटर है इसमें सॉइल हम देते हैं ठीक है और ये क्या है हमारा बॉइलिंग ट्यूब है। बॉइलिंग ट्यूब हमेशा किसके लिए यूज होता है बॉइल के लिए यूज होता है और इसमें हम सॉइल पुट कर दिए और इसमें हम हीट देने लगे ठीक है। पहले हम इसको देख ले कि सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल है या नहीं देख लिए उसके बाद इसको हीट किए उसके बाद कुछ देर में हम देखेंगे इसमें से सॉइल में से मॉइस्चर रिमूव हो गया
इसी वे से हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्वाइन, मतलब स्वाइन के द्वारा जो वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है उसके बारे में पढ़ें। The amount of water absorbed by the soil when water is poured into the soil is called absorption. मतलब soil उसके अंदर जो water absorb हो रहा है, poured हो रहा है, उसी process को absorption कहा जाता है। Capacity or absorption of water by soil. Capacity of the soil to absorb the water from the nature. That capacity refers to the absorption of water by soil. इसको क्या कहा जाता है? Absorption of water by soil. अब आता है percentage of water absorbed. कितना percentage water absorbed होता है soil के द्वारा? उसके बारे में अब हम यहाँ discuss करेंगे। परसेंटेज ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब, मतलब सॉइल के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल इक्वल टू इनिशियल वेट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब माइनस फाइनल वेट और फाइनल वैल्यू ऑफ वाटर एब्जॉर्ब by weight of soil into 100. मतलब सपोज कीजिए पहले आधा केजी हम सॉइल लेंगे, ठीक है, 1 केजी लेंगे, ठीक है। पहले नोट कर लेंगे सॉइल का वेट कितना है, ठीक है, नोट कर लिया 1 केजी। उसके बाद इसमें क्या हुआ हम वाटर पुट किए, ठीक है। वाटर पुट करने के बाद जो 1 केजी ऑफ सॉइल है या 2 केजी में कन्वर्ट हो गया। 2 केजी में कन्वर्ट हो गया कब? जब मैंने ये वाटर इसमें पुट किया, ठीक है। तो इसको जो इनिशियल वेट हो गया इसको क्या कहा जाता है? यू। उसके बाद जो वेट वाटर मिक्स करने के बाद आया उसके उसको क्या कहा जाता है? भी, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें वाटर मिक्स किए, मतलब इसमें टोटल कितना वाटर मिक्स किए? 1 लीटर, ठीक है बच्चों। 1 लीटर अगर वाटर हम 1 केजी सॉइल में मिक्स किए तो उसका कितना परसेंट कितना केजी हो गया उसके बाद? 2।